उपचुनाव में गड़बड़ियों की शिकायतों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे उपचुनाव प्रभावित हो सकता है। साथ ही धनोपिया ने चुनाव आयोग से ट्रांसफर किए गए अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही सावेर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के विज्ञापन को संज्ञान में लेने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, रोज लगातार अधिकारियों के स्थानांतरण कर रहे हैं। आज उन्होंने 12 डिप्टी कलेक्टर्स के स्थानांतरण उन क्षेत्रों में किए हैं जहां की उपचुनाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके द्वारा एकत्र किया जा रहा है। हमने चुनाव आयोग से मांग की है उन पर और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और ऐसा ही एक प्रकरण सावेर के संबंध में, वहां पर जो विज्ञापन निकाले गए तुलसीराम सिलावट ने, उन्होंने धर्म का उन्होंने उपयोग किया है। धर्म के नाम पर उन्होंने कहा है कि जय सियाराम, और वहां पर कहा है कि ये साधु और शैतान की लड़ाई है। ऐसे विज्ञापन उन्होंने जारी करे हैं, इससे वो आपत्तिजनक है। इसकी शिकायत की है कि तुलसीराम सिलावट पर भी कार्रवाई की जाए। और नगर निगम इंदौर की उपायुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शिवराज सिंह चौहान की सभा का पूरा इंतजाम किया गया, जबकि उनकी सारे की जो सभा थी चुनावी सभा थी उनको भी हटाने की हमने मांग की है। ऐसी कई शिकायतें की है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस तत्काल पर कार्रवाई करेगा।